जिले के तालीमी इदारों में आज मामूल के मुताबिक तदरीसी अमल शुरू हो गया है। बाजार खुल गए हैं, लेकिन मिल्लत टाउन में ताजिर तंजीमों के 3 रोजा सोग की वजह से बाजार बंद है। जाँ बहक होने वालों के घरों में ताजियत और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। पता चला था कि ये कलरखार में एक बहुत अलमनाक हादसा हुआ, तो मैंने भी सोचा चलो देखते हैं कब्रिस्तान में, इनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। तो दुख, और इतना दुख हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बार बार जब वो तस्वीरें, उन बच्चों की यादें आती हैं तो बहुत दुख होता है। जिला इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस को 2011 का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल था। बस मालिकान के पास सियालकोट फैसलाबाद का रूट परमिट था। उन्होंने 25 और 26 सितंबर को फैसलाबाद से सरगोधा बरास्ता चिनियोट बारात ले जाने का इजाजतनामा भी हासिल किया हुआ था, और बस इन तारीखों में मोटरवे पर दाखिले की मिजाज नहीं थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसा ब्रेक फेल होने से नहीं बल्कि ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। 57 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश वाली बस में 107 मुसाफिर सवार थे।